हेलो एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में नॉन स्ट्रेस टेस्ट एज द नेम सजेस्ट नॉन स्ट्रेस टेस्ट इट इज़ अ प्रोसीजर विच बी परफॉर्म एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी टू असिज द फीटल हार्ट रेट एंड मूवमेंट विदाउट गिविंग एनी स्ट्रेस टू द मदर और स्टमुलेशन टू द मदर लेट्स बिगिन विद प्रोसीजर हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है मदर को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना है एवरीथिंग वी हैव टू टेल द मदर कि हम क्या क्या करने वाले हैं सो uh, so, मदर को कम्फर्टेबल फील हो और आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर उसके बाद हम मदर को पूरा प्रॉपर पोजिशन देंगे और कार्डियोटोकोमीटर को अटैच कर देंगे मदर के अपडोमन में देखिए कार्डियोटोकोमीटर क्या है अब कार्डियोटोकोमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो है फीटल हार्ट रेट मूवमेंट को असेस करते हैं एक फिक्स गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ओके आफ्टर अटैचिंग द कार्डोटोगोमीटर हमें क्या करना है बेसलाइन हार्टेड को देखना दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमें बेसलाइन हार्टेड बेसलाइन हार्ट रेट का मतलब क्या है नॉर्मली बच्चे की हार्ट रेट क्या रहती थी हमें पूरे हिस्ट्री देखनी है कि नॉर्मल बच्चे की कभी कभी ऐसा होता है फीटल हार्ट रेट किसी किसी की ज़्यादा होती है वन फोर्टी के बीच में आता है किसी किसी की वन वन रेंज में ही है कभी कभी कम भी रहती है किसी किसी फीटस की तो वी हैव टू असेस फर्स्टली बेसलाइन रेट क्या है आफ्टर असेसिंग अ बेसलाइन रेट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्ट द मदर इंस्ट्रक्शन क्या देनी है हमें मदर को हमें मदर को बताना है कि जब बच्चे की मूवमेंट होगी तो इंस्ट्रक्ट करेगी मदर कि हाँ बच्चे की मूवमेंट हो रही है और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट वी हैव टू असेस द फीटल हार्ट रेट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि बेसल हार्ट रेट हमें पता होना चाहिए फिर उसके बाद हमें मूवमेंट के टाइम पर बच्चे की हार्ट रेट क्या है उसको हमें असेस करना है अगर देखिए मूवमेंट के टाइम पर मान लीजिए कि बेसलाइन हार्ट रेट जो है बच्चे की थी वन थर्टी और मूवमेंट के टाइम पे बच्चे की हार्ट रेट हो गई है वन फोर्टी और वीकेंड से वन फोर्टी फाइव तो मतलब अगर बेसलाइन हार्ट रेट से पंद्रह या पंद्रह बीट्स पर मिनट से ज़्यादा अगर आ रही है फीटस की हार्ट रेट फ्रॉम द बेसलाइन हार्ट रेट तो दैट इज़ अ नॉर्मल पार्ट मतलब ये नॉर्मल फिनोमिना है ये होता है तो कोई स्ट्रेस नहीं है बच्चे को फीटस इज ग्रोइंग वेल एंड वी हैव टू टेल द मदर दैट इज़ नॉर्मल टेस्ट एंड नॉर्मल टेस्ट का मतलब क्या है दैट इज़ अ नेगेटिव टेस्ट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नेगेटिव टेस्ट मतलब रिएक्टिव एनेस्टी सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन यही क्रिएट होता है कि नॉर्मल है नॉर्मल मतलब नेगेटिव टेस्ट नॉट पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट हमें यही याद रखना है और रिएक्टिव एनेस्टी है जिस चीज के लिए हम ऐसा कर रहे थे दैट इज रिएक्टिव रिएक्टिव एनेस्टी यू कैन लर्न बाई दिस मतलब नेगेटिव पीपल रिएक्ट आपको मतलब याद करने के लिए है कि नेगेटिव पीपल ये याद करने के लिए है पीपल रिएक्ट तो नेगेटिव के साथ हमेशा क्या आएगा रिएक्टिव ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस में होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच